लॉकडाउन में गरीबों को पहली बार मिला राशन। जी हाँ, अब खबर विकासनगर तहसील क्षेत्र से है, जहाँ सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गरीब लोगों की संख्या काफी है, जिन्हें पिछले साल मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन से लेकर अभी तक किसी के द्वारा भी कोई सहायता नहीं दी गई। सोमवार को आम आदमी पार्टी नेता भरत सिंह द्वारा ऐसे 50 लोगों को चिन्हित कर राशन बांटने का काम किया गया। भरत सिंह द्वारा राशन मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे राशन वितरण, सैनिटाइजेशन व मास्क बांटने के कार्यों की प्रशंसा की। सहसपुर विधानसभा की स्थिति तो आपको भी पता है, आपसे भी कोई छुपी हुई नहीं है, पर नेता लोग देखो, एक नेताओं के लिए कोविड है क्या? हमारे लिए कोविड नहीं है। हम हर गली गली हर मोहल्ले मोहल्ले जा रहे, लोगों को राशन दे रहे, ऑक्सीमीटर दे रहे और ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे। अब नेता तो भाई हजारों करोड़ खा के घोटाले करके आराम से बैठे हैं कुंडली मार के, क्योंकि जनता के बच्चे नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, केवल उन्हीं के बीवी बच्चे हैं। और इस कोरोना काल में जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए खा रखा है, कुछ तो मर गए और कुछ और मरने वाले हैं, ये स्थिति हमारे उत्तराखंड की है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे स्थिति में इन नेताओं की पोल खोला जाए अच्छी ढंग से, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सहसपुर विधानसभा के देख लो आप, सहसपुरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, कि इनके पास इतनी प्रॉफिटी, इतना पैसा आया कहाँ से आया? पूछा जाए इनसे कहाँ से इनके पास इतना पैसा आया, कि जो आज जनता के काम वो पैसा नहीं आ रहा है। तो हमारी जो गरीब जनता है बेचारी, जिनको दो टेम की रोटी के लिए हम इनकी जो है हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना हमारे से होता है हम कर रहे हैं, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हजारों करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति है कहाँ से आई? इन्हीं जनता की तो है वो, इन्हीं जनता का पैसा तो दबा के खाया है इन्होंने, लूटा है जनता को। पिछले 10 साल में सहसपुर विधानसभा का कितना विकास मानते हैं? विकास जीरो है, आप देख रहे हो, ये है विकास जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये लोग हैं, ये जनता है, आपने अभी सुना है, जो अपना विधायक को नहीं जानते कि हमारा विधायक कौन है। तो ये हाल है हमारे सहसपुर विधानसभा का। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो आने वाले टाइम पे ये हाल ना रहे सहसपुर विधानसभा के, कि जो सहसपुर विधानसभा बदले और इन घोटालबाजों को हटाया जाए, कि जो हजारों करोड़ रुपए खा के इन्हीं के बच्चे, ये गरीब जनता के बच्चे नहीं है क्या? ये गरीब जनता रोटी नहीं खाती क्या? अरे भाई कहाँ ले जाओगे उस पैसे को? अभी ये कोरोना आ गया है, अभी कोई आगे और बीमारी आ जाएगी, कितने लोग मर गए हैं इस कोरोना काल में। तो इन नेताओं को कम से कम इनके आंख कान खुलने चाहिए कि हम जो ये घोटाले कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे हैं, और इनके पास जब नेता था तब क्या थे और आज क्या है, इनकी संपत्ति इनकी जांच कराई जाए। आप पूरी सहसपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, ये लोग कितना लोगों के लिए सुख दुख में खड़े हो रहे हैं कांग्रेस या भाजपा वाले? भाई साहब एक भी मेरे को तो अभी तक कहीं एक भी नहीं दिखा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप जनता से पूछ सकते हैं, और मैं घूम रहा हूँ हर जगह जा रहा हूँ, हमें तो कोई ना कोविड का डर लग रहा है ना किसी चीज का डर लग रहा है, और हम जनता के बीच साथ जो है जनता के साथ चलने के लिए तैयार है। मैं तो जनता के बोलता हूँ कि आपका कोई कोविड का पेशेंट है, मैं सबसे पहले उनका घर मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ जाके, कि हमें कोविड हो। अरे भाई कोविड है सारी जनता के लिए, पर इन नेता लोगों को आगे आना चाहिए ना, तो शर्म आनी चाहिए सर इनको, तो बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, इनको जनता की नहीं पड़ी हुई है, जो जनता इनको वोट देती है उनकी नहीं पड़ी हुई इनको, जनता के तरफ तो ये झांक भी नहीं रही कि जनता क्या है, अपने अपने एसी रूम में बैठे हुए। जी सहसपुर विधानसभा का कौन सा वार्ड पड़ता है ये? वार्ड नंबर 6। जी आपका नाम? अनीता डंगवाल। अनीता डंगवाल जी, जानना चाहेंगे आपको लगभग कितना समय हो गया यहाँ पर रहते हुए? सर हम तो जन्म से ही उत्तराखंड के हैं निवासी। क्या मानते हैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर कितना विकास कार्य आप मानते हैं कि नेता यहाँ पर पूछने आते हैं? कुछ नहीं है सर, हमारा सेला कोई का तो बहुत बुरा हाल है, आप देख रहे होंगे जगह जगह गंदगी के ढेर, ठीक है। और आज की डेट में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है गरीब जनता भूखी मर रही है, अभी आपने खुद देखा किस तादाद में आ रहे थे लोग। सर हाँ जी, कोरोना काल में अब तक यहाँ पर सैनिटाइजेशन कराने या मास्क बांटने या आपकी सूद लेने अब तक कौन कौन आया है? कोई नहीं आया सर, किसी भी पार्टी का कोई भी दिग्गज यहाँ नहीं आया। क्षेत्र के विधायक? कोई नहीं सर, विधायक को तो मतलब ही नहीं है सर अभी आने का। कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस का कोई बंदा यहाँ पर आया? अरे मैं कहता रही सर, किसी पार्टी से कोई नहीं आया, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का तो दिख ही नहीं रहे। अभी यहाँ पर राशन बांटा जा रहा था, उसका क्या कहेंगे? ये तो सर हमारे इन्होंने बांटा ना, आम आदमी पार्टी से सर, ये भरत सर हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट करी थी, हमको पता चल रहा था ये कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में। Hello? एक सिर्फ यही नेता दिख रहे हैं हमें जो इस टाइम पर भी निकल रहे हैं जनता की हेल्प करने के लिए। केवल एकमात्र नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं? एकमात्र हैं सर, पिछले लॉकडाउन से और अब तक के लॉकडाउन में, पिछले में भी कोई नहीं था सर, और जो थे उनके अपने चमचों को दे रहे थे सर, वो आम जनता तक पहुँच ही नहीं रहा था, राशन अपनी बिरादरी में बट रहा था। हमने काम करवाया सर, करवा रहे हैं, 2-3 बार हो चुका है यहाँ पर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो पात्र लोग हैं उन्हें मिल रहा है? हाँ बिल्कुल पात्र हैं जो इस चीज के, अपने अपने चमचों के यहाँ दे रहे थे सर, वहाँ से वो आ ही नहीं रहा था ढंग से, किसी पे भी नहीं आ रहा था सर, जब तक हम लोग लेके जा रहे थे तो किसी का, फिर हम ऐसे भागे भी नहीं किसी के लिए, अपने स्तर पे हम लोग ने खुद ही एक दूसरे की हेल्प करी।